अमृत सी वाणी आपकी, निस्वार्थ आचार, वसुदेव कुटुंबकम, इतने उच्च विचार, कैलाशवासी श्री बालकिशन जी छापरवाल। इचलकरण जी माहेश्वरी समाज ने पिछले 25 वर्षों में महेश भवन के निर्माण से लगाकर पूरे समाज को एक साथ एक मंच पर लाने की यात्रा अब तक तय कर ली थी। तब आपने अपनी अध्यक्षता में इस बात की जरूरत महसूस की कि अनेकों व्यक्तिगत चेहरे तो निश्चित तौर पर समाज को नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन अब सामाजिक चरित्र का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यानी हर एक व्यक्ति पूरा समाज है और पूरा समाज हर एक व्यक्ति है। कभी बाहुबली फिल्म में अगर आपने यह संवाद सुना हो और भीतर तक उन शब्दों की ताकत को महसूस किया हो कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो आप आदरणीय छापरवाल जी के अंदाज को भली भांति महसूस कर पाएंगे। इनका मानना था कि अनुशासन ही मेरा जीवन है और मेरा जीवन ही अनुशासन है। महेश भवन में कार्य प्रणाली की शैली, भवन की सुचारू व्यवस्था और भवन के उचित नियोजन के लिए आपने मजबूती से कार्य किया। आपका मानना था कि समाज का हर एक व्यक्ति समाज का चेहरा है और वो चेहरा सबके लिए आदर्श और प्रेरणा का प्रतीक हो, इस पर कार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए आपने भीकम चंद जी प्रजापत के आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन करके समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के अधिवेशन का आतिथ्य आपके कार्यकाल में इचलकरण जी में संपन्न हुआ और यह वह पड़ाव था जिसने इचलकरण जी समाज का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराने का कार्य किया। वो कहते हैं ना कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आपने सामाजिक पद पर उस रास्ते के निर्माण का कार्य किया जो चरित्रवान हो, शीलवान हो, कर्तव्यवान हो। आपका कार्यकाल सेवा समिति के इतिहास का वह समय था जब समाज के वैचारिक और सामाजिक दृष्टिकोणों को नई परिभाषा मिली। स्वर्ण जयंती महोत्सव पर महेश सेवा समिति का मंच प्रणाम करता है आपके अनुशासित अंदाज को, जिसकी छवि में ढलकर आज हम ये पर्व मना रहे हैं। कैलाशवासी श्री बालकिशन जी छापरवाल।